मैं इस मौके पर अल्लामा इक़बाल का एक शेर डॉक्टर रफीक सौदागर साहब की नज़र करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता चलूं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो डॉक्टर रफीक सौदागर साहब और उनके साथी सैयद साजिद हयात साहब, बुरहानुद्दीन अजहर साहब, काबिले मुबारकबाद है कि पिछले गालिबन 8 साल से इस अवार्ड की तकरीब मुनाकिद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उन्हें कामयाबी भी हासिल हो रही है, जिसके मिसाल आज यहाँ पर तुलबा और तालिबात और उनके सरपरस्तान की मौजूदगी कामयाबी का सबूत पेश कर रही है। तो अगर हम देखें तो आपके और मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, उस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर को ये हुक्म नहीं दिया कि आप नमाज पढ़ें, हज अदा करें, ज़कात दें, बल्कि सबसे पहले ये हुक्म हुआ, ये वही नाज़िल हुई कि इकरा पढ़िए अपने रब के नाम से। तो ये मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इब्तिदाई से तालीम की अहमियत को उजागर कर रहा है। तालीम के ताल्लुक से बातें हमारे मजहब में शुरू ही से है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो भी वहां भी जाया करो। तो 1450 साल पहले के जमाने का तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि 1450 साल पहले हालत क्या थी, मक्का मुकरमा किधर है और मुल्क चीन किधर है, इन दोनों के दरमियान में कितने हजार किलोमीटर का फासला है। तो ये बताने का मकसद ये है कि इल्म एक ऐसी शमा है जिसको हम जितना फैलाए, जितना रोशन करें, वो इतना ही अपनी रोशनी फैलाती जाएगी, वो रोशनी सिमट नहीं जाएगी बल्कि वसी हो जाएगी। जैसा कि हम ये अखबार सुनते हैं कि अगर दौलत को तकसीम किया जाए तो दौलत कम हो जाएगी, जमीन तकसीम कर दी जाए तो जमीन कम हो जाएगी, मगर ये इल्म, ये तालीम एक ऐसी है आप इसको जितना भी तकसीम करें, जितना भी अवाम में पहुंचाएं, तो वो इल्म कम नहीं होता बल्कि वसी होता जाता है, फैलता जाता है। तो डॉक्टर साहब की कोशिशें काबिले मुबारकबाद है जो तुलबा और तालिबात में तालीम की अहमियत को उजागर करने के लिए अपनी जाती रकम से इस तरह की तकरीबात मुनाकिद कर रहे हैं। तो बिरादरान मोहतरम, हाजरीन इकराम, अभी जैसा कि डॉक्टर परवेज साहब ने ये कहा कि आज 90% अवार्ड लड़कियों ने हासिल की है, तो इसके ताल्लुक से भी हमें ये हुक्म मिलता है कि एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम है। तो काबिले मुबारकबाद है इन लड़कियों के जिम्मेदारान वालिदैन कि उन्होंने इस हदीस को समझा और इस हदीस पर अमल करते हुए तालिबात को, यानी लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा जेवर इल्म से आरास्ता कर रहे हैं। और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि 10th के बाद या PUC के बाद इस तालीमी सिलसिले को मुनखता ना करें, खत्म ना करें, बल्कि सिलसिले को जारी रखें, क्योंकि आप में जो फन है, जो अल्लाह तबारक व ताला ने जो काबिलियत अता की है, तो उस काबिलियत को बरवेकार लाते हुए कौम को, मुल्क को, मिल्लत को अपनी काबिलियत से हमाहंग करे, ताकि वो काबिलियत से दूसरे लोग भी आपका फायदा उठा सके। तो ये इल्म बांटने से ज्यादा होता है, कम नहीं होता। और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि हमारी जो मुकामी रियासती जबान है कनाडा, तो आज हम हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में होने की वजह से कनाडा से बखूबी वाकिफ नहीं होते, तो इस जबान की भी बड़ी अहमियत है। आप इस जबान में की में महारत हासिल कीजिए और बहुत मुमकिन है कि 5% रिजर्वेशन भी शायद कनाडा जबान के ताल्लुक से रखा गया है, तो इस हुकूमत के स्कीमात का फायदा उठाइए। अगर आज हम हमारे समाज को देखें, मुसलमानों के तालीमी मियार को देखें, तो ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है कि आज जो सच्चर कमेटी हुकूमत ने बनाई थी उसमें हमारी हैसियत को क्या बताया गया है। मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हमारे दरमियान में मौजूद है। तो ज्यादा से ज्यादा तालीम को आम करने की कोशिश करें। और हमने कभी इस मुल्क पर 800 साल से हुकूमत की है, मगर ये रिपोर्ट आने के बाद हमारे आंख
खोलने के लिए काफी है कि आज हम तालीम से बड़े ही पीछे हो चुके हैं। तालीम को आम कीजिए, जो बच्चे जो हमारे जिम्मेदारान हैं, जो हमारे कायदीन यहाँ पर मौजूद है, तो उन्हें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि बड़े आला स्कूल्स में तालीम दिलाने के बजाय जो कौम के जो गुरबा और मिसाकीन हैं, उन्हें इस तरह के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी दाखिला दिलवाएं और अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। अभी जैसा कि साजिद हयात साहब ने जिक्र किया कि जनाब मंसूर अहमद साहब अफगान जो मुसलसिल 3 मियादों से म्यूनसिपालिटी में नुमाइंदगी कर रहे हैं, आला तालीम याफ्ता है, वो भी एक इसी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। डॉक्टर रफीक सौदागर साहब जिनके पास सैकड़ों की तादाद में हम पेशेंटों को देखते हैं, वो भी इसी स्कूल में है। तो ये सरकारी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में तालीम हासिल करने से हमारी इज्जत में, हमारे मुकाम में कमी नहीं होती, बल्कि अगर हम देखें तो हमें यह मालूम होता है कि बड़े बड़े हुकुम, बड़े बड़े कायदीन ने, बड़े बड़े रहनुमाओं ने सरकारी मदारिस में तालीम हासिल की है, जिसकी मिसाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, मुल्क के सदर जमहूरिया के आला तरीन ओहदे पर फायद रहे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तालीम हासिल करना ये हमारी इज्जत में कमी फर्क लाने वाली नहीं है। तो जो गुरबा अपने बच्चों को आला मियारी स्कूल्स में तालीम नहीं दिलवा सकते, तो हमारे लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि तालीमी शऊर, तालीमी बेदारी को उजागर करते हुए उन्हें होटल से, गैरेजेस से, दुकानों से छुटकारा दिलाते हुए मदारिस में दाखिला कराए। और हमारे जो मौलिमात यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि अपने अड़ोस पड़ोस में जो नाख्वाइंदा गैर तालीम याफ्ता जो खवातीन होती हैं, उन्हें तालीम के ताल्लुक से बताए कि तालीम की अहमियत क्या है, उसको उजागर करे। तो अगर हमारी कौम में, हमारे मुल्क में जिस तरह से केरला में गालिबन 86% वहाँ के लोग तालीम याफ्ता है, आला तालीम या तालीम याफ्ता है, तो वही मियार आज हमें कर्नाटक में, पूरे मुल्क में पेश करना है। तो इसातेज़ा की और हमारे कायदीन की ये जिम्मेदारी है कि वो कौम में शऊर को बेदार करें, शऊर को उजागर करें। अगर शऊर बेदार हो गया तो फिर इंशाअल्लाह, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, तू शाहीन है परवाज कर, तो उस तरह का मैं शेर सही बोल नहीं सका हूँ। इंशाअल्लाह निजामत में साजिद साहब को शेर कहेंगे, तो मैं डॉक्टर रफीक सौदागर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और तमाम ही टॉपर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आप आइंदा PUC में हो या और जो भी आप तालीम आदा हासिल करना चाहें उसी में भी हो, इसी तरह के नंबरात से आप कामयाबी हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाए। और मैं एक और मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात